एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक डिवाई में स्थित पिलखना गांव में पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 70 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने प्रेमपाल सिंह कुशवाहा को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 6800 की आबादी एवं 3400 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 1200 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल लगभग 415 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 55 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिपोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 500 विद्युत पोल, 125 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 40 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों, 8 लोही आवास का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम रामपाल सिंह कुशवाहा, ग्राम प्रधान कलकना, ब्लॉक व तहसील डिवाई, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मैंने तालाबों में गांव का पानी दिया है, इसके बाद में इंटरलॉकिंग काट कर जला जोड़ दिया। रही बात दूसरी के जो प्रधानों का मानदेय है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एक सरकारी नौकर के लिए इतनी ज़्यादा तनख्वाह है जिसका जवाब है, जिससे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। और ये जो मानदेय है हमारा, ये मानदेय में ना होकर के हमारा तनख्वाह में होना चाहिए। जब एक विधायक जो तनख्वाह मिलती है आदमी को, तो एक उसके खर्चा के और उसके काम के ऊपर मिलती है, तो हमारा भी खर्चा किसी से कम नहीं है और हमारा भी काम किसी से कम नहीं है। तो जैसे विधायक है, कम से कम उसके दसवां का हिस्सा तो होना ही चाहिए। अगर एक विधायक को 2.5 लाख रुपये मिलता है, तो कम से कम प्रधान को 25,000 रुपये तनख्वाह के रूप में मिलने चाहिए, ताकि वो अपने भविष्य में काम आए।